तो ताबिश जो लड़ाई है अब वो थोड़ी और दिलचस्प होती जा रही है लोकसभा चुनाव की, क्योंकि अब तक ये सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर विपक्ष में उत्तर प्रदेश के जो बड़े नेता हैं अखिलेश यादव, वो लड़ाई से दूर क्यों हैं, लेकिन अब उस पर से भी उन्होंने पर्दा हटा दिया है। बिल्कुल, पर्दा हटा दिया है और कई सीटें ऐसी हैं जहां पर समाजवादी पार्टी जो है वो अपने कैंडिडेट बदल चुकी है। ऐसे में सवाल ये भी खड़ा हो रहा है यहाँ पर कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी कंफ्यूज है क्या इस बार के चुनाव अपने अपने कैंडिडेट्स को लेकर। इसमें आप देखिए, जो अखिलेश यादव हैं वो कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे, यहाँ से नामांकन वो आज दाखिल करेंगे और अब तक माना जा रहा था कि अखिलेश चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब सपा के मुखिया अपनी पारंपरिक सीट कन्नौज से मैदान में उतरेंगे। ये रिपोर्ट आप देखिए, कन्नौज सीट समाजवादी पार्टी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर कैसी उनकी स्थिति रही है और अखिलेश यादव ने यहाँ पर जो फैसला लिया है चुनाव लड़ने का, इसके क्या मायने हैं। अखिलेश जी, कन्नौज से चुनाव लड़ने की चर्चा है, क्या लगता है कि क्या तेज प्रताप लड़ेंगे या आप भी कहीं से फिर लड़ेंगे? नॉमिनेशन होगा तो आपको पता लग जाएगा यार, और हो सकता है नॉमिनेशन से पहले ही आपकी जानकारी होगी। अखिलेश यादव भी अब चुनाव मैदान में उतरने को तैयार है, वो अपनी परंपरागत सीट कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। इसी कन्नौज से अखिलेश यादव ने चुनावी राजनीति की शुरुआत की थी। एक बार फिर इसी कन्नौज में अखिलेश लोकसभा चुनाव में ताल ठोकने की तैयारी कर चुके हैं। माना जा रहा है कि इस बार अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कोई मौका नहीं देना चाहते, इसीलिए अपनी पारंपरिक सीट कन्नौज से वो खुद प्रत्याशी बनकर मैदान में उतरने की तैयारी कर चुके हैं। इससे पहले सोमवार को उन्होंने अपने भतीजे और लालू यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को समाजवादी पार्टी का कन्नौज से प्रत्याशी बनाया था, लेकिन कार्यकर्ताओं की नाराजगी और माहौल को देखते हुए अखिलेश यादव ने अपना फैसला लगभग बदल लिया है और 25 तारीख को अखिलेश कन्नौज से प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करेंगे। अखिलेश यादव के चुनाव मैदान में उतरने से बीजेपी की दिक्कतें बढ़ेंगी। पिछले दो बार से कन्नौज से चुनाव जीत रहे सुब्रत पाठक की चुनौती जाहिर तौर पर अखिलेश के आने के बाद बढ़ गई है। हम तो पहले ही अखिलेश यादव जी से कहे थे कि आप चुनाव लड़िए, आके आपके अलावा कोई चुनाव लड़ ही नहीं सकता कन्नौज में, और शायद उनको समझ, उनको बड़ा घमंड था कि नहीं, हम किसी को भेज देंगे, वो लड़ जाएगा, जीत जाएगा। और वो समझते थे कि यदि तेज प्रताप यादव को यहाँ से चुनाव लड़ाया तो समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी और उनकी पार्टी के 80% मतदाता और कार्यकर्ता मेरे साथ खड़े हो जाएंगे। इत्र की नगरी कन्नौज समाजवादी पार्टी का गढ़ थी, यहाँ से मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और डिंपल यादव चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि 2014 से ये सीट बीजेपी के कब्जे में है, ऐसे में इस बार अखिलेश अपना गढ़ बचाने के लिए मैदान में आएंगे तो बीजेपी को कन्नौज बचाने के लिए नए सिरे से तैयारी करनी होगी। कन्नौज से अखिलेश यादव के चुनाव मैदान में उतरने से निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत न सिर्फ कन्नौज में बल्कि आसपास की सीटों पर भी बढ़ गई है, क्योंकि अखिलेश यादव जब चुनाव लड़ेंगे तो इसका असर यादव बेल्ट पर ज़रूर पड़ेगा, जो कि अखिलेश यादव और उनके परिवार का गढ़ कहा जाता है। ऐसे में बीजेपी अब यादव लैंड पे किस तरह से चुनावी बिसात बिछाएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन राज गुप्ता के साथ रणवीर, NDTV इंडिया के लिए।